ऑस्ट्रेलिया न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं अजमेर से। खबर है प्रदेश को मिली एक और वंदे भारत ट्रेन। उदयपुर से जयपुर तक चलेगी वंदे भारत। आज किया जा रहा है स्पीड ट्रायल। 24 सितंबर को पीएम मोदी दिखाएंगे इसे हरी झंडी। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अजमेर से सहयोगी शुभम जैन लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है, उत्साह कितना और ट्रेन की खासियत भी जरा बताइएगा, क्योंकि स्पीड ट्रायल लगातार जारी है। जी बिल्कुल, देखिए जो वंदे भारत की सौगात है वो प्रदेश को तीसरी मिली है, और अगर बात करें अजमेर की तो ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन है जो अजमेर से होती हुई गुजरेगी। ये जो वंदे भारत ट्रेन है उदयपुर से जयपुर का, इसका मार्ग तय किया गया है और अब आज इसका ट्रायल रन पूरा किया जाएगा, और ट्रायल रन के बाद 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इसको हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। आप देख सकते हैं ट्रेन के अंदर मैं मौजूद हूँ, और ट्रेन के अंदर अभी जो अधिकारी हैं, कुछ सामान्य लोग हैं, उनको बैठाया गया है और जो ट्रायल रन है वो किया जा रहा है। अगर बात करें तमाम वंदे भारतों की और इस वंदे भारत की, तो करीबन ट्रायल रन जो पहले हुआ था उसके बाद इसके अंदर कई सुधार किए गए और यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन के अंदर कई महत्वपूर्ण चीज़ें जोड़ी गई हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं एक LED जो है अभी हाल फिलहाल बंद हो गई, इसमें LED के अंदर स्पीड बताई जा रही थी कि कितनी स्पीड पर चल रही है, आने वाला स्टेशन कितनी दूरी पर है, और जो ऑटोमेटिक गेट हैं वो ऑटोमेटिक गेट भी इसमें लगाए गए हैं। साथ ही साथ कुछ सीटों पर जो है जो ट्रेन के जो ऑपरेटर होंगे या ट्रेन के अंदर जो ऑपरेटर कोच के अंदर होंगे उनसे डायरेक्ट बात करने की भी सुविधा यहाँ पर की गई है। ट्रेन के अंदर और तमाम इंतजाम इस तरीके किए गए हैं। हाई टेंशन ट्रेन जो है इसको कहा जा सकता है कि तकनीकी जो इसमें के अंदर उपकरण लगाए गए हैं वो भी कई तरीके के उपकरण लगाए हैं, किसी तरीके की पैसेंजरों को दुविधा ना हो, सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेन का जो आज रन है वो किया जा रहा है। मैं अभी इस कोच में खड़ा हूँ, इसके जस्ट आगे ही जो इंजन है वो आपको देखने को मिलेगा। मेरे कैमरामैन साथी आप देख सकते हैं जो लोग हैं स्पीड ट्रायल के तहत जो चल रहा है, आप देखते हैं ऑटोमेटिकली इसका गेट खुला और जो इंजन है वो यहाँ पर उपस्थित है। आप देख सकते हैं जो इंजन चल रहा है, इंजन के अंदर जो संचालक है वो हैं और अधिकारी जो हैं वो भी इस ट्रेन को यहाँ से चला रहे हैं, और जो इंजन है ना, इंजन के जरिए उस ट्रेन को चलाने के बाद यहाँ पर जो ऑपरेटर हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, और ऑपरेटर के साथ साथ तमाम कोच के अंदर जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, रेलवे के अधिकारी हैं। और अब जो ये ट्रेन है ये जयपुर स्टेशन जयपुर जंक्शन पर पहुँचेगी, जयपुर जंक्शन के बाद इस ट्रेन को वहाँ से पुनः उदयपुर के लिए ले जाया जाएगा। उदयपुर ले जाने के साथ जो ट्रेन है उसको फिर 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हरी झंडी दिखाकर के लिए रवाना करेंगे, और हरी झंडी दिखाने के साथ ही अजमेर जो राजस्थान है उसको तीसरी वंदे भारत की सौगात जो है वंदे भारत ट्रेन की वो भी मिल जाएगी। जी शिखा। शुभम, ट्रायल को लेकर जानकारी दीजिएगा, क्योंकि उदयपुर से जयपुर पहुँचेगी, अजमेर के रास्ते होते हुए गुजरेगी, तो किन किन मार्गों तक पहुँचा जाएगा ताकि लोगों को ज़्यादा सुविधा हो, और ट्रायल के दौरान क्या कुछ बदलाव भी यहाँ किए जा सकते हैं आगे? जी बिल्कुल, देखिए जो करीबन 4 से 5 स्टेशनों पर ये जो ट्रेन है इसका स्टॉपेज रहेगा। अगर बात करें आज के ट्रायल रन की, तो ट्रायल रन के अंदर सुबह करीबन 7:30 पर ये उदयपुर से रवाना हुई है, उसके बाद 2-3 स्टेशनों पर और रुकी, भीलवाड़ा पर भी पहुंची, भीलवाड़ा के बाद अजमेर जंक्शन है, और आने वाला स्टेशन जो है वो किशनगढ़ रहेगा, और किशनगढ़ के बाद सीधा जो स्टॉप होगा गाड़ी का वो जयपुर जंक्शन होगा। जयपुर जंक्शन के बाद पुनः आधा घंटे बाद ये ट्रेन वापस चलेगी और फिर उदयपुर के लिए रवाना होगी। करीबन 5 से 5.5 घंटे के अंदर उदयपुर से जयपुर का रास्ता ये ट्रेन तय करेगी, लेकिन आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे इसके अंदर और बदलाव किए जाएंगे तो उसकी स्पीड को लेकर के भी बदलाव किया जाएगा। अभी ट्रेन की स्पीड जो है मिनिमम रखी गई है, उसके बाद उसको थोड़ा और बढ़ा जाएगा, और उसके बाद फिर हो सकता है कि जो उदयपुर और जयपुर का रास्ता है वो करीबन 4 घंटे का ही रह जाए। यहाँ से अजमेर से दिल्ली के लिए भी एक वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, जिसका संचालन जो है लगातार जारी है, और अब एक और ट्रेन जो है वो राजस्थान के अंदर शामिल हो गई है वंदे भारत, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। शुभम, क्योंकि सबसे पहले जो सौगात मिली थी वो अजमेर से लेकर के दिल्ली तक ही वंदे भारत की मिली थी, और फिर उसके बाद एक और वंदे भारत और अभी तीसरी, कहाँ मिसिंग था शुभम? आखिरकार इसको चलाने की इतनी आवश्यकता क्यों थी? कौन कौन से ऐसे रूट हैं जहां अब पहुंचा जा सकेगा? Thank you.
जी बिल्कुल, देखिए जो वंदे भारत जो ट्रेन है वो लगातार पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में चलाई जा रही है, लेकिन अब जो वंदे भारत है उसकी जो गति है उसमें भी बदलाव किया जा रहा है। गति के बदलाव के साथ साथ उसकी जो मतलब ट्रेनों की संख्या है वो भी बढ़ाई जा रही है। प्रदेश के अंदर ये तीसरी है, पहले अजमेर से दिल्ली तक चल रही थी, लेकिन अब एक और ट्रेन जो चालू की गई है वो उदयपुर से जयपुर की गई है। तो उदयपुर और जयपुर का कनेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसको स्पीड को बढ़ाते हुए जो समय सीमा है वो कम कर दी गई। आम अगर बात की जाए तो उदयपुर से अजमेर का ही रास्ता करीबन 5 घंटे का लगता है और अजमेर है जयपुर 3 घंटे का, तो 8 घंटे के रास्ते को इस ट्रेन ने फिर मात्र 5 घंटे के अंदर खत्म कर दिया। 5 घंटे में अगर आपको उदयपुर से जयपुर पहुंचना है तो आप उदयपुर से जयपुर 5 घंटे में पहुंच सकते हो और जयपुर से उदयपुर भी फिर 5 घंटे के अंदर आप सफर कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ सफर को ध्यान में रखते हुए यात्रियों के लिए सुविधा हो, किसी तरीके की उनको परेशानी नहीं हो, उसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। चाहे वो फिटिंग अरेंजमेंट की बात की गई हो, व्यवस्थाएं की गई हो, कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसकी बात की गई हो, एक LED लगाई गई है जिसके ऊपर स्पीड भी लिखी जाएगी, जो स्पीड शो हो रही ट्रेन की वो भी शो हो रही है, साथ के साथ में अगला स्टेशन कितना दूर है वो भी उस LED पे बताया जा रहा है। वही साथ के साथ लाउड स्पीकरों के जरिए ट्रेन के अंदर इंस्ट्रक्शन भी दिए जाते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक जो गेट है वो बंद होते हैं उससे पहले मतलब गाइड भी किया जाता है कि किस तरीके से गेट बंद हो रहे हैं। तमाम कोचों के अंदर अलग अलग LED पे पूरी जो है विश्लेषण ट्रेन के बारे में वो लिखा हुआ आता है। अभी जो है ट्रायल रन किया जा रहा है, ट्रायल रन के बाद इसको अंदर कोई कमी होती है तो वो इन 2 दिन के अंदर सुधार लिया जाएगा और 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके लिए लोगों को स्वागत देंगे। बिल्कुल शुभम, सफर करने के समय में इससे बहुत अधिक सुविधा होगी, कमी आएगी। शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।